आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का बयान जुदा जुदा नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री श्रवण कुमार ने सीट शेयरिंग मामले पर कुछ भी साफ साफ बोलने से इनकार करते नजर आए। एक तरफ जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सीट शेयरिंग का मुद्दा इतना जल्दी सुलझाया नहीं जा सकता, वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड इस मुद्दे पर हमेशा से एग्रेसिव रही है। लेकिन अब मंत्री श्रवण कुमार ने इसे बड़े नेताओं का मुद्दा बताकर सवाल से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर पार्टी के बड़े नेता ही कुछ भी बोलने के लिए सक्षम है। इस तरह उन्होंने ऐसे सभी सवालों से पल्ला झाड़ लिया जिन मुद्दों पर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के अलग अलग बयान सामने आते रहे हैं। हिसाब से कोई बात नहीं है, ये सब बड़े नेता मिल बैठ के तय करते हैं। चाहते हैं कि कई ऐसे सीट है जहां उम्मीदवार अपना उतारा जाए, एक साथ साझा उम्मीदवार उतरे। ये सब मामले पर बड़े नेता ही कुछ कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कुछ भी कहना मेरे लिए जल्दीबाजी भी होगी, कुछ भी कहना सच्चाई से परे होगा। जो लोग मिल बैठ के तय करते हैं उनसे ये जानकारी मिलेगी। क्या लग रहा है सीट बंटवारा में ज्यादा देरी नहीं हो रही है? ज्यादा देरी नहीं हो रही है सीट बंटवारा में? अब देरी हो रही है तो जो हो जाएगा टाइम पर, चिंता मत कीजिए। सर आप लंबे समय से नीतीश जी के साथ है, काफी करीबी रहे हैं, क्या नीतीश कुमार जो 17 सीटों की बात चल रही है वाकई में आपके 16 सीटें आप लोगों ने जीती थी? हम लोगों को जो जवाबदेही मिलती है उतना ही तक सीमित है। आज जो जवाबदेही मुख्यमंत्री जी के तरफ से या पार्टी के तरफ से मिलती है वो उसी का निर्वहन करते हैं और जो जिसका जिम्मा है वो काम करते हैं। लालू जी कह रहे हैं कि अभी तक सीट बंटवारा कंप्लीट नहीं हो पाया, मानते हैं इस बात पर कोई कुछ तो बड़े नेता हैं वो तो जो आपको जानकारी दे रहे हैं तो संतोष करना चाहिए आप लोगों को, फिर छोटे नेता से पूछने की क्या जरूरत है। आप लोग लगातार कह रहे हैं विलम्ब हो रहा है, मगर जो महागठबंधन के अन्य घटक दल हैं उनका मानना है कि विलम्ब नहीं हो रहा है, अभी समय है और समय रहते सब। आप लोग में से कोई उम्मीदवार नहीं ना है? अगर आप लोगों में से उम्मीदवार हैं तब तो भाई इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जो लोग उम्मीदवार हैं वो संतुष्ट हैं, वो अपना लगे हुए हैं मैदान में, काम कर रहे हैं अपना उस तरफ है। आप मानते हैं कि जो देरी कांग्रेस की तरफ से आज सहयोजक बनाने की बात उठी नीतीश कुमार जी को, ये पहले होना चाहिए था तो आज साथ लगता कि इंटैक्ट होता और ज्यादा इंडिया गठबंधन? नीतीश कुमार जी संयोजक के उम्मीदवार कभी बने हैं, उनकी इच्छा कभी है, वो कभी इच्छा तो जाहिर उन्होंने नहीं किया। ये बड़े नेता मिल बैठ के जो फैसला करते हैं उस पर टिक्का टिप्पी करने का हम लोगों को छोटे लोगों को अधिकार नहीं। आज भी मानते हैं कि पीएम पद के सबसे बड़ी उम्मीदवारी नीतीश कुमार के चेहरे पे? नहीं, वो तो खुद नहीं चाहते हैं कि हम पीएम बने, लेकिन इतनी बात जरूर है उनमें सभी गुण उनके पास है। सभी जो प्रधानमंत्री का या बड़े जगहों पर संवैधानिक जगह पर जो लोग जाते हैं वो उनके अंदर सब विराजमान। पीएम मटेरियल अभी भी है पीएम मटेरियल आप लोग मानते हैं? हम लोग कब नहीं मानते हैं, आप ही लोग तो कभी कभी चलाने रखते हैं इधर के बात उधर, उधर के बात उधर तक, कभी कभी आप ही लोग ना इधर उधर बात चलाते हैं। हम लोग तो जानते ही हैं लेकिन उनकी कोई इच्छा नहीं है। मंत्री जी आपने कहा कि राम सबके हैं, जाहिर है कि